Welcome back to Dangerous. You are watching DNN live with Kami. Pak tu tarafe jab tan ke hamjo pe humne gudarish ki ke ravaiya theek rahe bachon ko tarbiyat sahi aapki apni tarbiyat jabe kabe ram maaji shaukat khan sahab ne to bahut zabardast ki hogi lekin aap itne khrandre ho gaye aapne cricket ground samay liya chaliye mauzu aage chalte hain phir doctor राउंड पे हैं बच्चे किडनैप हो गए इसको भी चलिए आगे चलते हैं दुआ करते हैं डेंगी जोरों पे मैं तमाम अपने जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं आवाम हैं काबिले इहतराम हमारी माएँ हैं बहनें हैं हमारी जो मुलाजमे हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं और माली हैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि घरों को साफ़ रखें आपने वहाँ कोई सफ़ेदी नहीं करानी पानी गिरा देना है ये कितना औखा काम कितना आप घर में अपने घर में चक्कर तो लगाएं कि पीछे कोई गंद तो नहीं फेंक गया कोई परिंदा तो नहीं मरा पड़ा कोई चूहा तो नहीं मरा पड़ा कोई आपके घर में डूब तो नहीं गया रात को अल्लाह ना करे आप को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे लेकिन प्लीज़ अपने घर में एक चक्कर तो लगाएँ अपने फ्रिज की ट्रे तो साफ़ करें अपने पौधों को तो देखें और आइए हम सब मिल के इसको साफ़ करें ये तो नहीं कि आपके घर का जो बर्तन है उनको भी पाक फौज का आके जवान ठीक करेगा उल्टाएगा तो ये तो मच्छर तो नहीं पूछता मच्छर नहीं नहीं देखना कि कमाना साहब के घर से मैंने पानी पिया है और मैं उनको ही काटूंगा नहीं जनाब ये नहीं देखता ये जालिम है इसको हमने इसको वही मारना है हर घर एहतियात करे कोरोना से अल्लाह ताला हमें पनाह दे माफ़ी दे हमें माफ़ फरमा दे हम गुनाहगार हैं हमें तमाम ये जो खौफनाक बीमारियां हैं इससे परवरदिगार पनाह दे सैलाब से परवरदिगार पनाह दे ये जो आफात हुई हैं इससे मालिक कायनात हमें माफ़ फरमा दे और कप्तान ये गाली गलौज चोर डाकू अफला अपने इर्द गिर्द आप वज़ीर आज़म अल्लाह ने आपको बना दिया तो आप जो है वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक कोटेशन बड़ी ज़बरदस्त है कि अंगूर की बेल से जब ये पूछा गया कि तुम बहुत येलोश हो पीला रंग है तुम्हारा और ज़बरदस्त मीठी हो मीठा अंगूर रंग पीला इसका राज तो बताओ तो अंगूर की बेल ने क्या जवाब दिया कप्तान सुनो बच्चों सुनो बड़ों सुनो हमारे एक मेट तो पहले जानते हैं उन्होंने कहा बेल ने कहा मैं सिर चुका के रहनी हूँ तो सारी तुप सहनी हूँ मीठी हूँ हम गालियाँ देते हैं हम तुम तड़ाक पे उधर आते हैं हम बुरा हाल कर देते हैं और आपके मुल्क का वज़ीर आज़म वो मुंतखब वज़ीर आज़म है आप इम्पोर्टेड हैं तो आप डिपोर्टेड हो गए आप क्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो आप सरतान को कह दें कभी हसन नवाज ने आपकी बहन को गाली दी आपकी वालदा को गाली दी कभी मरियम ने आपको आपके बहन बच्चों बहनों को गालियाँ दी कभी सावला राणा सावला ने आपकी बहन को गाली दी हम वो सब एहतराम से बाजी अलीमा है आप मेहरबानी फरमा के अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें आपको कैलकुलेशन आती नहीं आप कभी पाकिस्तान की आबादी का जिक्र आप अपने दिमाग को हाजिर नज़र रख के बात किया करें और खुदा के लिए ये वो पोस्ट एक नन्ना सा बराबर जिसके नाना वजीर खारजा थे जब मैं और आप खेलते थे गलियों में उस बच्चे ने जाके आपका झंडा बुलंद कर दिया आप पीछे से गालियाँ दे रहे शहबाज शरीफ जिन जिसको आप चोर कहते हैं जिसको आप डाकू कहते हैं उसने जाके आप पूरी दुनिया को हिला के रख दिया झंझोड़ के रख दिया सब उससे मिल रहे हैं आपसे तो ओवल ऑफिस का गार्ड नहीं मिला ये भी इज्जत है वो मुल्क का वज़ीर आज़म है आप चोर कहते रहे आप मुजाहरा करवाते रहे जब आप जाएंगे तो आपके खिलाफ तो आप शहबाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरा नहीं करा रहे आप मुल्क के खिलाफ करा रहे शौकत तरीन को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने कॉल पर मैं समझता हूँ पंजाब के जो भी मिनिस्टर से खजाना उन्होंने कम से कम रिएक्ट तो किया नहीं स्टैंड कर सके हुकूमत आज नहीं है आज है कल नहीं है नहीं रहनी रहे नाम अल्लाह का तो आप मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि और रुको पैसे ना जाएं ये तो इससे बड़ी ज़रूरत क्या हो सकती है और अदालतें आपको प्यार से करती अल्लाह आप सबको सलामत रखे हमें और आपको पाकिस्तान की खिदमत का हमारे अंदर जज्बा हो और हम अपने बच्चों की
और हम अपने बच्चों की हम अपने ये बहन भाइयों की हम पार्टियों में अपने बच्चों की तबीयत सही करें, पहले हम अपनी तबीयत सही करेंगे, हौसला ख्याल रखिए। और जाते जाते ये कहूँगा ख्वाजा साद रफीक साहब, आप रेलवे के मिनिस्टर नहीं, आप एविएशन के मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपके ऊपर केस बने, आपको काल कोठरियों में रखा, आपके बेल के फैसले में अदालत ने सबको उड़ा के रख दिया, एहसन इकबाल के केस में सबको उड़ा के रख दिया, अदालतें बिल्कुल इसी तरह अगर कुल्हाड़ा चलाती रहीं तो ये जो कटपुंजी हैं, फ्रॉड ये हैं, दो नंबर हैं, ये अदालतों से इंशाल्लाह ये जेलों में जाएंगे, इनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। जिन्होंने नाजायज़ मुकदमे बनाए, जिन्होंने वो एक खातून जो भी है नैब में चेयरमैन नैब के साथ वो गलाजत वाला मामला हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन इतने बड़े अहदे पे आपके मुंह पे कलंक मांगी जाए, वो उस अहदे के ऊपर थूक दीजिए और आपको हिसाब देना होगा इस जहान में भी अगले जहान में भी। लिहाजा ख्वाजा साद रफीक साहब प्लीज़, यूरोपीय यूनियन के साथ मैंने अभी पढ़ लिया है कि आपने टीमें बना दी हैं, आप उनको मॉनिटर कीजिए, हम सीनियर ट्रेन प्रोफेशनल एविएटर्स हैं, हमारी हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। और जिस मिनिस्टर ने ये सारी इंट्रीग की, जिस कप्तान की सारी टीम ने इंट्रीग करके पीआई को डुबोया, यहाँ वजन अटलांटिक आई, ब्रिटिश एयरवेज आई, गैर ममालिक की एयरलाइन आई और अरबों डॉलर यहाँ की दौलत समेट के ले गई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह और इराक की तरह, जहाँ से सारी दौलत समेट के चले गए और हमें बदनाम कर दिया, हमें रुसवा कर दिया, हमारी पाकिस्तानी एयरलाइन को ब्लैकलिस्ट करवा दिया, बैन करा दिया, यूरोप नहीं जा सकते, मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं आना जाना रहता है, मेरे मालिक का घर में लोग तड़प रहे हैं कि किस दिन भी ये इशू होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी चंद दिन पहले वर्जिन अटलांटिक पता नहीं कितने घंटे लेट थी, वहाँ लोगों का बुरा हाल था, लोगों ने हमारे से रब्ता किया कि ये लेट हो जाए तो गालियाँ दें, पकड़ तो दें, माँ बहन एक कर दें और इन बंद होना चाहिए, लोग छूट लो, खाने खिलाए जा रहे हैं, याशी खिलाई जा रही है, बुरा मौज मस्तियाँ कराई जा रही हैं। और मैं ख्वाजा साहब आपसे कहूँगा, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपके बाप बहुत बड़े आदमी थे और मुझे उनकी शहादत पे तो खुशी है, लेकिन जब आप छोटे थे, जब वो गए थे, तो मुझे वो दिन याद है जब वो शहीद हुए थे। अल्लाह शहीद के तो दर्जात वैसे ही बुलंद हैं, अल्लाह हमें इन शहीदों के सबके जो पाकिस्तान बचा है इसकी खिदमत करने का मौका दे। और ये जो दो नंबरी प्रमोट कर गए, जो अरशद मलिक साहब जो भाग गए, जिन्होंने एयरलाइन तबाह कर दी, जो अपनी बाकियां छोड़ गए, उनको भी फारग करें, उनके कॉन्ट्रैक्ट फारग करें, उनको भेजें। और जो दो नंबर जाली संदों वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, जो बैठे हुए अय्याशी कर रहे हैं, जिनको जनरल मैनेजर बना गए, जिनको डायरेक्टर बना गए, क्या करें खाई साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें, मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, मेरे और सीनियर साथी हैं आपको एक एक चीज़ बताएंगे, जिन्होंने एयरलाइन डबोई उनको खाई साहब डबोइए प्लीज़, हाथ डाल दीजिए, अगर मुशर्रफ पे हाथ डाला जा सकता है, कुछ भी हुआ, फांसी देने वाला जो है, जिस बंदे ने सजा सुनाई थी उसकी कब्र पे लिखा जाएगा कि कोई जज पैदा हुआ था, मार दिया, मर गया कोरोना से, वो चला गया, लेकिन वो तारीख में नहीं मरेगा। लिहाजा आपने जिन्होंने एयरलाइन डबोई, ये दो नंबरिए जो हैं, जो जाली संदों वाले हैं, इनको आप रस्सा डालें, इनको धक्के दे के निकालें। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये इनकी अपीलें हैं, ये पैसे दे के ये अपीलें नहीं लगने दे रहे, ये दो नंबर जाली संदों वाले इस वक्त जनरल मैनेजर बने बैठे हैं, ये इनके ऊपर चोरी के मुकदमे, सर्टिफाइड चोर हैं ये, इनको निकालिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दोबारा फ्लाओ में जाएगी और फिर आवाज़ आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कुछ देर के बाद जॉन एफ कैनेडी पे उतरने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।